दोस्तों जैसा कि याद करो मैंने आपके साथ डिस्कशन किया था एप्लीकेबिलिटी ऑफ आईबीसी के बारे में इफ यू रिमेम्बर. ठीक है, आज हम लोग आईबीसी का फोर्थ क्लास है. बिफोर गोइंग इनटू आईबीसी का फोर्थ क्लास मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज दिखाना चाहूंगा. अगर आपको याद हो हमने डिस्कस किया था आईबीसी का एप्लीकेबिलिटी के ऊपर, उसमें मैंने क्या बताया था आईबीसी का एप्लीकेबिलिटी को लेकर फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स के ऊपर आईबीसी एप्लीकेबल की नॉट एप्लीकेबल, बताइए ना, जवाब दीजिए. हाँ पक्का ही हम लोग का आईबीसी का फर्स्ट क्लास में हुआ था. मेरे को बताइए आईबीसी का फर्स्ट क्लास का तारीख क्या था. फर्स्ट 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 15 तारीख के पहले था. हे भगवान, टुडे इज 21 ना, अरे आज 21 तारीख है ना, 15 के पहले हुआ था फर्स्ट क्लास, पता ही नहीं है लोगों को. और मैंने क्या कमेंट दिया था बताइए तो, कि फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है. लेकिन मैंने और क्या बताया था, हाँ हो जाएगा, कुछ याद आ रहा है कि होना चाहिए और जल्दी हो जाएगा. उस समय क्या रेगुलेशन आ चुका था, क्या गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया था. बट देखिए कितना रिसर्च के बाद आप लोगों को क्लासेस पढ़ाया जाता है. एक तरफ मेरे मुंह से निकला कब, चेक आउट द फर्स्ट क्लास, हा 7th of November, हा 7th of November. अब यहां पर आप देखिए, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे. देखिए जिन लोग क्लास किया हुआ है, ये देखिए एमसीए नोटिफाइज आईबीसी प्रोसीडिंग्स ऑफ फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स एंड एप्लीकेशन टू एडजुडिकेटिंग ऑथोरिटी रूल 2019 15th of November को ये जो रूल्स है एमसीए ने जो है इसको अप्लाई कर दी फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स के इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी प्रोसीडिंग. कि जो सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स है उन वो भी अब आईबीसी के परव्यू में आएंगे. देखो एमसीए हैज नोटिफाइड आईबीसी इंसॉल्वेंसी लिक्विडेशन प्रोसीडिंग ऑफ फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर एंड एप्लीकेशन टू एडजुडिकेटिंग ऑथोरिटी रूल 2019, यहां पर हम लोग रूल्स बोलेंगे. ठीक है, जिसमें इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल सिस्टमैटिकली जो इंपॉर्टेंट क्या रहता है बताओ ना, फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स अदर देन बैंक, अदर देन बैंक मतलब बैंक के ऊपर अभी भी एप्लीकेबल, अदर देन बैंक, यू अंडरस्टैंड. और ये लाया ही गया है DHFL के लिए, दीवान हाउसिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, DHFL. तो ये DHFL जो है ना इसका पहला गिनी पिग होगा. DHFL जो कि जाना माना हाउसिंग फाइनेंस कंपनी हुआ करता था और अब और सुर्खियों में लोगों का पैसा मारने के कारण, नहीं समझ आया, मेरा खुद का एक उसके अंदर कॉर्पोरेट FD है, मेरा खुद का इसके अंदर जो DHFL के अंदर ह्यूज शेयर होल्डिंग है. ह्यूज शेयर होल्डिंग मतलब मेरे हिसाब से ह्यूज शेयर होल्डिंग, नहीं समझ, ऐसा नहीं कि कंपनी का 10% शेयर है मेरे पास, बट मेरा पोर्टफोलियो का अगर देखा जाए तो मेरा पोर्टफोलियो का कम से कम 2-3% जो है आई एम इन्वेस्टेड इन DHFL, नहीं समझा, ऊपर से अलग से FD, क्योंकि परफॉर्मेंस जबरदस्त जा रहा था. अब इसको पता था कि अंदर में इन लोग बुक्स को मैनिपुलेट कर रखा है. एक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर जो है, ठीक है, रैशनल इन्वेस्टर वो तो, और जिसको ज्यादा बुद्धि है वो भी खराब है, पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख करके, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख करके फैसला लेना. तो ये फर्स्ट गिनी पिग होगा, DHFL इज द फर्स्ट गिनी पिग टू गो इन आईबीसी प्रोसीडिंग एंड उसी के लिए ये रूल जो है वो नोटिफाई किया गया. अंडरस्टैंड, तुम देख रहे हो क्लास कितना ज्यादा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड रहता है, जो भी हो रहा है ग्राउंड में वही तुम लोग को बताया जाता है. ठीक है, जब 7th नवंबर को जो हमारा क्या रहा होगा फर्स्ट क्लास आईबीसी का, मैंने बताया था अभी फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन 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 आप देखिएगा ये बहुत जल्द होगा और होना भी चाहिए, मैंने ये भी बोला था. इनको याद भी नहीं है, हाँ याद है सर, हम ही लोग तो बोल रहे हैं. हाँ हाँ, मेरे बच्चों को मैंने यही बता रखेगा DHFL के ऊपर तो मैं सबसे पहले जाता, यू अंडरस्टैंड, बट बहुत लोग ऑलरेडी जो है कतार में खड़े हैं और गवर्नमेंट जो है DHFL के लिए जो है, और फ्यूचर में ऐसा ना हो तो ये सब फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स के ऊपर आईबीसी अब क्या हो चुका है एप्लीकेबल. तो चलिए आइए आज का क्लास अब आगे बढ़ाते हैं.